नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अचूक समाचार में। और आज अचूक समाचार की हमारी मेहमान हैं पारुल शर्मा जी। नमस्कार। और पारुल जी बहुत जानी मानी, इनकी आवाज़ क्योंकि एफएम रेनबो में आप आरजे हैं और इनकी सुमधुर आवाज़ से तो हम लोग वाकिफ़ ही हैं, पूरी लखनऊ वाकिफ़ है। और आज इनका एक और खूबसूरत हिस्सा मैं आप लोगों को, दर्शकों, दिखाना चाहती हूँ कि पारुल जी ने बहुत ही सुंदर ग्रामोफोन नाम से एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। आज ग्रामोफोन के बारे में हम सब कुछ जानेंगे पारुल जी से। पारुल जी खुद बताएंगी क्या है ग्रामोफोन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधु जी। और जैसा उन्होंने बोला कि मैं रेडियो जॉकी हूँ, तो इस वजह से शायद मैं बेहतर तरीके से बता पाऊँ। मैं सिर्फ एक रेडियो जॉकी नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ, शायद मैं ये जो ग्रामोफोन है, इसलिए यहाँ पर पारुल्स ग्रामोफोन मेंशन करना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि पारुल्स ग्रामोफोन है, इसलिए शायद ये ज़रूरी है कि मैं ही बताऊं, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, क्योंकि मैं रेडियो जॉकी हूं, तो मैं बताऊं कि ग्रामोफोन है क्या। जी, तो ग्रामोफोन एक संगम स्थल है कहना चाहिए, जहां हम ख़ास तवज्जो देते हैं। मैं सिर्फ ये बोलूंगी ख़ास तवज्जो, आ तो कोई भी सकता है, मिडिल एज्ड और सीनियर सिटीजन्स को। और ख़ास ये उनके लिए मैंने जगह बनाई है जहाँ वो अगर आएँगे तो उनको बहुत ही सुकून मिलेगा। और सुकून आपको किन किन चीज़ों से मिलता है, कहते हैं ना, जैसे आप घुसते हैं तो जो किसी भी जगह में आप एंटर करते हैं, जो 3S होते हैं, जो एक होता है स्मेल, एक होता है साउंड, और एक होता है सेंसेस, जो है सारे सेंसेस। तो आप जब एंटर हुई ग्रामोफोन में, जैसे ही मैं एंटर हुई तो बस मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिविटी थी कि बस 2 मिनट तो मैं गेट के, जैसे ही मैंने खोला तो मैं खड़ी रह गई और मैं देखती रह गई। और इतना सुंदर म्यूज़िक चल रहा था जो मैं सुना नहीं सकती कॉपीराइट की वजह से, नहीं तो मैं लता मंगेशकर जी का गाना चल रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कि वाकई। कौन सा गाना चल रहा था? गाना लग जा गले। हाँ, लग जा गले से। तो सुना नहीं सकती, मैं सुना सकती। हाँ, आप सुना सकती हैं। लग जा गले के फिर बोलिए रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो। क्या कहने, तो आप देख ही रहे हैं और आवाज़ से तो वाकिफ ही हैं। और आज ग्रामोफोन में हम इसीलिए आए कि हम देखना चाहते थे कैसे जो एक सुकून के पल मिल सकते हैं यहाँ पे। और पारुल जी, हाँ, आपके मन में कैसे आया जी, कि सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्को ये वो है ना, तो आपने कैसे ये सोचा? जब ये सब नहीं मिला तो ये सोचा है ना। जब कहते हैं ना कि आविष्कार जो है वो आवश्यकता की, जब आवश्यकता महसूस होती है तब ही किसी चीज़ का आविष्कार होता है। आविष्कार की जननी है आविष्यकता, और अनुभव, मेरा अनुभव भी यही रहा। तो मैंने ये जगह इसलिए ख़ास मिडिल एज्ड और सीनियर सिटीजन्स के लिए खोली कि मुझे लगा कि ऐसी कोई जगह है नहीं लखनऊ में या फिर कहीं और भी। तो लोग अक्सर जब भी किसी को टारगेट करते हैं तो यंगस्टर्स को, यूथ को टारगेट करते हैं, तो इसलिए मैंने, मुझे ये ज़रूरत इसलिए लगी क्योंकि मैं साफ बता दूं आपको, पारुल्स ग्रामोफोन उषा महेश फाउंडेशन का एक पार्ट है। अच्छा। और उषा महेश नाम मेरी माँ का है और मेरे पिताजी का है, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। पारुल्स ग्रामोफोन पारुल है तो फिर ऑब्वियसली उषा महेश से ही शुरुआत हुई। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि मम्मी को मैंने खोया 2017 में, और मम्मी बड़ा अच्छा गाती थी तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि गाना सीखो, गाना सीखो। लेकिन उस वक्त कहीं कुछ पढ़ाई में, हॉस्टल में, फिर शादी हो गई, तो मैंने आफ्टर 43, 44 आई थॉट कि अब मुझे सीखना चाहिए।
हाँ तब मम्मी थी जब मैंने ये सोचा, तो मम्मी बड़ी खुश कि चलो ये थॉट आया अब इसके दिमाग में। हाँ तो मैं जब बाहर निकली और गाना सीखने, तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कि बहुत कम लोग थे जो मेरी एज में सिखाने के लिए, मतलब किसी को सिखाने के लिए इतने उत्सुक थे। फिर भी उसके बाद भी मुझे मेरे गुरुजी मिले और सीखना भी शुरू किया, लेकिन कुछ बैचेस जैसे बिगड़ते गए, क्योंकि साथ में यंग यंग लड़कियां थी मेरी आधी एज की, उनकी पसंद कुछ और थी, मेरी पसंद कुछ और थी, तो नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। उस वक्त मुझे लगा मधु जी कि अब एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एक ही एज ग्रुप के लोग अगर आफ्टर 30 या 40 या 50 या 60 या 70 सीखना कुछ चाहें तो सीख तो सकें, तो चाहे वो म्यूज़िक हो, कोई भी कला हो, डांस हो, पेंटिंग हो। तो मुझे ग्रामोफोन उस वक्त याद आया। खैर मम्मी चली गई, मैंने उनको बताया, 2 महीने बाद ही मम्मी चली गई। मैंने शुरुआत कर दी थी, शायद उनको लगा अब पारुल सही रास्ते पर, अब मैं जा सकती हूँ। मम्मी गई, उसके बाद पापा जो थे वो हमारे साथ आए, मेरी और 2 बहनें हैं, तो पापा भी अकेले नहीं रहे, हमारे भाई नहीं हैं, तो हम तीनों बहनें ही हैं, हम लोग के साथ रहे। तो जब वो यहाँ लखनऊ आए तो बड़े फूटी और खाने पीने के शौकीन, घूमने के शौकीन, तो हम उनको ले तो जाते थे, लेकिन जहाँ भी जाते थे वही टिपिकल वाला खाना, स्वाद वही नूडल्स, या फिर जो एक एम्बियंस होता था वो बड़ा लाउड। तो आप चाहें कि आप सुकून के अगर पल बिताना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, बैठ के बात भी नहीं कर सकते हैं, exactly. सुन ही नहीं रहे आपस में। अब फोन ले सकते हैं आप, बस अपने दोनों फोन पे खेलिए। तो ये माहौल था। तो फिर मुझे इसका लगा कि नहीं, एक एम्बियंस इस तरीके का भी मुझे क्रिएट करना है। तो ये 2-3 वजह थी जिसकी वजह से मैंने ग्रामोफोन का इजाद किया। तो ग्रामोफोन में खाना पीना, सुकून से बैठना, उसके अलावा ये जो एक प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये पूरी शूटिंग करेंगे, पूरा दिखाएंगे अपने दर्शकों को एक एक चीज। ये एक प्लेटफॉर्म है खास उनके लिए जो ठीक है नहीं सीखा, ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। ये जिन्होंने नहीं सीखा लेकिन मन होता है कि गाएं, हम भी गाएं, और उनके लिए है, खास माइक है, पूरा सिस्टम है, तो अभी हम आपसे भी गवाएंगे। अच्छा। तो ये खास स्टेज उन्हीं के लिए है जो कभी किसी को लगता हो कि हम तो कविता लिखते थे लेकिन कर नहीं पाए, या फिर लेडीज़ 12 तक तो बच्चों के टिफिन ही बनाती रहीं, या फिर कोचिंग सेंटर छोड़ना, ये अपना जो शौक है वो कहीं लुप्त हो गया, वो तो कहीं डूब जाता है परिवार exactly. में। तो अक्सर मधु जी आपने देखा होगा 12th के बाद जब बच्चे चले जाते हैं तो मदर्स को एक वो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो होता है वो घर कर लेता है जी। तो उस वक्त जब वो सोचती हैं तो वो सोचती हैं अब क्या करें, तो फिर वो अब क्या करें में यूजली क्या होती है, किटी पार्टीज ज्वाइन कर ली है, या फिर फिल्म्स में इस तरीके का एक ग्रुप बना लेते हैं जहाँ कोई खास एक दूसरे को कुछ नहीं देता, बड़े ही कहना चाहिए ना कि ओके ही ग्रुप्स होते हैं, है कि मिले हैं बस, हंसे बोले फिर चले गए एग्जैक्टली exactly. तो कुछ एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो खराब है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, वो भी अच्छी है। हाँ, उसमें भी हर ग्रुप के लोग होते हैं एग्जैक्टली तो आप अगर तरह की बातें होती हैं, एक शेयरिंग तो होती है, तो चाहे फीमेल्स ही हो साथ में या मेल्स भी हो तो वो एक शेयरिंग तो होती है, लेकिन अगर वहाँ में उसमें भी अगर कुछ मुझे लगता है कुछ पल आप चुरा सकें और जो भी आपका शौक था उसको आप वापस करना चाहें, कुछ शुरू करना चाहें, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही इतनी अच्छी खुशनुमा जगह है, मुझे मज़ा आ गया देख के और आपसे मिल के सारी बातें करके, और मैं तो चाह रही हूँ कि आप बताती जाएं, अब मैं सुनती जाऊँ जी। तो ये तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो सिर्फ वुमेन का दिया, अगर आप मेल्स की बात करें जो जॉब में हैं या फिर बिजनेस में भी हैं, तो 60 तक कहना चाहिए कि परिवार को चलाने में ही लगे रहते हैं, बिल्कुल है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में भी सोचते हैं कि ठीक है वो तो उनका काम ही है। तो काम हाँ है। लेडीज एक बार को बोलती है क्या हमारा काम यही है, तो हाँ। वो तो चली जाते हैं कभी रेस्टोरेंट कभी, मगर मेल्स के बारे में अगर हम सोचें तो ठीक है उनके भी कुछ शौक हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम पैसा कमाना उनका भी कुछ शौक हो सकता है। लेडीज तो अपने तमाम और शौक ढूंढ लेती हैं, मगर मेल्स के लिए जेंट्स तो बहुत कम होता है कि पुरुष वर्ग अपना कोई शौक पूरा कर पाए, तो वो अगर निकालता है समय या फिर
जो वाइफ हैं या फिर कोई और भी फ्रेंड्स हैं, अगर वो उनको प्रेरित करते हैं कि आप भी अपना कुछ एक शौक जो है उसको, उसके लिए वक्त निकालिए, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम जो पीछे हमारा म्यूज़िक रूम है वो उसी के लिए। अच्छा जी, तो हमने म्यूज़िक क्लासेस शुरू भी कर दी थी अप्रैल में, लॉकडाउन लगा तो फिर वापस वो करनी पड़ी। तो उसमें जो भी हमारे साथ एक हमारी टीचर है भातखंडे की, जो म्यूज़िक टीचर है, तो सिखाती हैं म्यूज़िक, तो जो भी सीखने वाले हैं वो सब उनसे बड़े हैं। जी हाँ, तो यही खूबी है, यही एसेंस है ग्रामोफोन का। तो कोई है 60+ है, कोई है 50+, तो ये है जो अपने शौक है वो पूरे कर रहे हैं, जो अपनी इच्छाएं तभी थी, जॉब में नहीं कर सके, परिवार की जिम्मेदारी में नहीं कर सके, तो पारुल जी के यहाँ ग्रामोफोन में आके संगीत है, किताबें हैं, म्यूजिक है, और जहाँ संगीत है तो फिर समझिए जन्नत है मुझे। बिल्कुल संगीत है। अब थोड़ा सा मैं किताबों के बारे में बताऊंगी कि लोगों ने काफ़ी लिखना शुरू किया है। अच्छा। और इस पे भी जैसे ये एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि सभी लिख रहे हैं, मगर अगर सब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो ठीक है, जो हमारे कवि हुए, जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स हुए, बहुत अच्छी बात है कि उनकी किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है वो हम उनसे सीख रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि लिखने से पहले हम पढ़ें। इस वजह से लाइब्रेरी है कि आप पढ़िए। और एक टेबल मैंने वहाँ पर अभी नहीं रखी है, लेकिन हाँ एक वहाँ रख रही हूँ कि जिसको कुछ लिखने का मन करे तो वो लिख सकता है। और जब वो पढ़ेगा तो उसका शब्दकोश बढ़ जाता है, शब्दों का भंडार बढ़ जाता है, फिर से पता चलता है अरे ये शब्द हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे किया था। तो जब वो खुद उसकी लेखनी चलने लगती है ना, तो अगर शब्दों के भंडार है तो वो फटाफट चलती है। जैसे हम लोग अगर कुकिंग करते हैं, शुरू में हमें डर लगता है, फिर हम सोचते हैं ये इंग्रेडिएंट तो हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो यही तरीका है। उसमें हम लोग की मास्टरी है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, आप खिला रहे हैं उनको, तो वो प्रैक्टिस भी हो गया और वो टेस्टिंग भी हो गई। तो फिलहाल मधु जी प्रैक्टिस यहाँ होगी, टेस्टिंग यहाँ होगी। मंच यहाँ पर है, अभी सारी शूटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पूरा पारुल जी का ग्रामोफोन। यहाँ पे आइए, इतना साफ सुथरा किचन, बिल्कुल लगेगा नहीं कि जैसे आप रेस्टोरेंट में अगर किचन में चले गए। हम लोग नंगे पैर हैं, हम लोग अभी नंगे पैर हैं, इतनी सफाई है जी, इतना बढ़िया। पहला इनका जो ऑर्डर आ जाता है उसमें लड्डू भगवान का प्रसाद जा रहा है, और इतने अच्छे ये संदेश उसमें लिख के देती हैं। हम पारुल जी का डिस्क्रिप्शन में सारा यहाँ का एड्रेस, आप लोगों को फ़ोन नंबर सब डालेंगे, और आप लोग भी यहाँ के बेहतरीन से बेहतरीन खाने का लुत्फ लीजिएगा, मज़ा लीजिएगा। और जब आपको लगे कि अब मुझे सुकून से बैठना है कहीं, तो आप आराम से यहाँ आइए ग्रामोफोन में और बैठिए, और इतना अच्छा लग रहा है, पढ़िए, पूरी पढ़िए, संगीत करिए, और इतना अच्छा लजीज खाना खाइए। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, का पानी पीजिए, सब कुछ, मतलब पुराने जमाने का इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अभी सबकी शूटिंग करके और वो साथ में हम आप लोगों को दिखाएंगे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शकों, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी आए, और कुछ भी बताना चाहती हूँ। ऑथेंटिसिटी, हाँ ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें, और हम बोल रहे हैं कि हम सरसों का तेल या देसी घी यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग इट। हो सकता है आपको थोड़े से इसके दाम आपको लगे ना, दाल तड़का यहाँ इतने की है और मगर ग्रामोफोन में इतने की है, तो वो बिकॉज हम उसको लिटरली बोल रहे हैं। हाँ, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें वाकई देसी घी है कि नहीं, या फिर ये सरसों का तेल है कि नहीं, ये है। और देसी जो हमारे व्यंजन हैं, हम उन्हीं पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो क्योंकि हेल्थ सेक्टर क्या क्या चीजें हैं, जैसे ब्रेकफास्ट से लेके जी, ब्रेकफास्ट में अगर आप बात करें तो पोहा है, उपमा है, और आलू के पराठे हैं, पनीर के पराठे हैं, उड़द की दाल की कचौरी है, सिलबट्टे की चटनी है, तो वो सिलबट्टे पे ही हम प्रॉपर उसको चटनी, हाँ जो हम बोल रहे हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, और आप आके देख भी सकते हैं जी। तो छाछ है, और दोपहर में फिर वही कढ़ी चावल है, दाल चावल है, कई बार 10 चीज़ें मिल जाती है मधु जी, लेकिन हम लोगों को आदत है कि हम जब तक वो दाल चावल ना मिले या फिर रोटी सब्जी ना मिले, तो हमारी आत्मा तृप्त नहीं होती। अगर दाल चावल नहीं मिला, बिल्कुल कुछ भी व्यंजन खिलाते रहिए, फिर मन करता है दाल चावल बनाओ, वो खाएं, वो ही खाएं, हाँ देसी घी के तड़के वाला, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अब उसमें बात क्या है कि भले आप गार्लिक नहीं डालें, आप प्याज नहीं डालें, लेकिन जो
भगवान का जो घी आपने डाल दिया ना, जो गौ माता का घी है और उसके दूध से जो घी बना है वो आपने डाल दिया, वो सारा जो स्वाद है, स्वाद है वो पूरा हाँ। सेकेंडली हमारे टाइमिंग्स दूसरे को बहुत ऑड लग सकते हैं, लेकिन जैसे मैं जिस तरीके से फॉलो करती हूँ, कहना चाहिए जो हिंदुइज्म जिसको हम कहते हैं अ वे ऑफ लिविंग, हिंदुइज्म क्या है, रिलीजन तो है नहीं, वे ऑफ लिविंग है कि आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी सूरज के हिसाब से चलिए, वही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ग्रामोफोन में हाँ। क्योंकि हम खोल रहे हैं सुबह 9 बजे जी अच्छा। और शाम को मतलब जो हमारा डिनर है, डिनर टाइम हम 11-12 बजे तक नहीं, हम 9 क्लोज कर देते हैं। तो आप आपको डिनर करना है तो आपको 7-7:30 आना पड़ेगा, तब हमें डिनर मिल जाएगा। तो वही वे ऑफ लिविंग जो है वही हम प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छी चीज़ है अपनी चीज़ों को फिर से करना, बिल्कुल अपनी। और सबसे अच्छा तो मुझे लग रहा है ना कि मिडिल एज के लोग भी आए और सुकून है, अपने आराम से आके बैठ सकते हैं। यंगस्टर्स भी काफी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। अच्छी संस्कृति यहाँ मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी उनको, क्योंकि अगर हम यंगस्टर्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो कैसे वो आगे सीखेंगे? तो सीनियर सिटीजंस एंड यंगस्टर्स को मिलाना बहुत जरूरी, क्योंकि बड़ा भीड़चाल चल गया है हर जगह, हुक्का बार, लाउड इतना म्यूजिक, हाँ बच्चों को बस हम लोग क्या दे रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। जाते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है भेज तो रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे जाके क्या है। और यहाँ पे आके कम से कम अपनी पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी, क्या था, क्या संगीत है, किताबों से लगाव, अच्छा भोजन, साफ सुथरा, शुद्ध देसी घी से बना हुआ। सुबह तो आप आएंगी, जैसे अगर नाश्ता करेंगी तो सुबह हनुमान चालीसा हमारे यहाँ चल रही होती है, शाम को फिर संध्या आरती जो होती है उस टाइम भी हनुमान चालीसा के अपने गाने और फिर पुराने गाने, इतना अच्छा जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत कुछ। अभी पूरी हम शूटिंग करेंगे और देखेंगे अभी क्या खिलाएंगी पारुल जी, वो भी खाया जाएगा बिल्कुल, और आप लोगों को टेस्ट मैं बता दूंगी। और थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगी कि हमने कोविड के टाइम पे आपने खास मुझसे पूछा था, भूल रही थी, तो कोविड के टाइम पे मधु जी क्या हुआ कि जैसे ही हमने खोला मार्च में, वैसे ही मतलब ईश्वर ने बोला रुको पहले पहले सेवा करो फिर मेवा मिलेगा, तो इस वजह से लॉकडाउन लग गया और हमने फिर मरीजों के लिए खाना बनाया और कुछ लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ को फ्री भी भेजा, और खुद मैं भी जाके मैंने भी डिलीवरी की क्योंकि डिलीवरी भी नहीं हो रही थी, डिलीवरी भी नहीं हो रही थी। और मैंने देखा क्योंकि आप ले लेके जा रहे थे खाना जी, क्योंकि कई घरों में ऐसा हुआ कि लोग बीमार हैं और कोई खाना देने वाला नहीं है, नहीं था। तो उन्होंने जैसे पारुल जी को फोन किया है, ग्रामोफोन में फोन किया, तो आपने उसी हिसाब से खाना बनवा के कि पेशेंट्स के हिसाब से या उनकी टेस्ट के हिसाब से और पहुँचवाया तक इन्होंने उस समय जितना हो सका, इन्होंने बहुत किया उस समय जी, वो भी किया। उसके बाद थोड़ा हमने जितने वही हमारी क्षमता थी थोड़ा सा, वैसे भी लॉकडाउन में रिक्शे वाले जो हैं उनको जो दिक्कत हुई वो किया। तो मतलब मंशा जब खोला तो थोड़ी अलग थी, लेकिन लॉकडाउन ने जैसे बाकी लोगों को इतना कुछ सिखाया और मुझे भी यही सिखाया कि सेवा करनी सबसे पहले ज़रूरी है, एंड जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं उनको भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग शुरू की है कम्युनिकेशन की जी, म्यूज़िक की। जब हमारी टीचर आ जाएंगी तो उनको जैसे हाँ जैसे बाकी लोग सीख रहे हैं साथ में ही बैठ के आप भी सीखिए, सो दैट उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े, उन्हें ये ना लगे मुझे कुछ अलग सिखाया जा रहा है और इनको कुछ अलग सिखाया जा रहा है। तो साथ में सब लोग सीखे जी, और कितना अच्छा लगेगा उस समय, बिल्कुल सीखे गाए, क्योंकि जब कोई वहाँ पहुँच जाता है माइक अगर आ गया हाथ में तो आपका पैसा नहीं बोलता, आपकी स्किल बोलती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी, तो सारी बातें कोरोना के समय का भी इतना कुछ आपने किया। और मुझे लगता है जब आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं ना तो उससे पहले श्री गणेश होता है कहते थे, तो वही ईश्वर ने कराया कि आपने शुरू करा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है शुरू कर लिया, लेकिन पहले आप सेवा करिए, आप लोगों पहले दान करिए, आप जो वही असली प्रसाद है, असली पूजा वही है। बिल्कुल, मेरे चेहरे पे आपको कंटेंटमेंट लग रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है तुम्हें बहुत नहीं, वैसे ही सदाबहार लग रही है जैसी हमेशा से लगती है, मेरी बहुत फेवरेट भी है। थैंक यू। और याद है मुझे जब मैं रजनीगंधा ये करती थी तो आपके मैसेंजर पे जरूर मैसेजेस, आपका लव फॉर म्यूजिक शायद उसने हम दोनों को मिलाया है। जैसे ही शुरू होते थे तो मैं बोलना शुरू कर लिखना शुरू कर देती थी, ऐसा बहुत ही अच्छा रहता था जी, मजा आता था।
अभी भी सुनती हूँ और आज इसीलिए ग्रामोफोन में भी खींची चली आई हूँ। अभी सारी फोटोग्राफी करके आप लोगों को सब इसके अंदर दिखाया जाएगा, पूरा ग्रामोफोन घुमाया जाएगा। और अभी के लिए इजाज़त, थैंक यू।